मरकी है और यहाँ पे प्रोग्रेसिव पैनल के दो लीडर्स एक शाह साहब और अजान मलिक दोनों खड़े हुए हैं। शाह साहब तो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये क्या ख़ास ऐसा इनके पास पंडोरे के अंदर कोई ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से हम इन्हें वोट दें। पहले हम बात करते हैं शाह साहब से। जी शाह साहब, ये बताइए क्या ख़ास चीज़ है आपके पास जो आप कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं, लोगों से चाह रहे हैं, प्रोड्यूसर्स से चाह रहे हैं कि आपको वोट दें, और किस सीट के लिए, कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एम्परा है इसकी बुनियाद 2012 में मैंने रखी थी, और मेरे साथी जो अजान मलिक जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया। बाद में ये हमारा जो कोशिश 2012 में हमने शुरू की थी, ये 2015 में कम्प्लीट हुई, और बाबा तौर में 2016 में इसका इलेक्शन पिछले साल हुआ। उसमें मैं जो है वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए था, और अजान मलिक भाई जो थे वो फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए थे। दो चार वोट की जो है वो वजह से अजान मलिक की जगह पर रह गए, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी नसीब की इस हवाले से, और अब भी दोबारा मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के लिए ही हूँ। शाह साहब, लेकिन क्या ख़ास वजह, मैं आपको वोट क्यों दूँ, या कोई एक आम प्रोड्यूसर, उन्हें बताएं आपका मोटिव्स क्या है और आप क्या चाहते हैं, आपका क्या है, मंशूर क्या है? सर, मंशूर ये है कि जो बेसिक वजह ये है, जो ये मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा, मैं ये चाह रहा था जब मैंने ये सोचा कि एसोसिएशन एक बनानी चाहिए ताकि तमाम प्रोड्यूसर जो है उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। सबसे बेसिक चीज़ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। दूसरा ये है कि उनके दुख दर्द का एक दूसरे को पता होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब एक दूसरे से इंटरेक्शन होगी तो हम एक दूसरे की फलाह का काम कर पाएंगे। ये बेसिक मोटिव ये था कि अच्छा, एक दूसरे की फलाह का काम करें। शाह साहब, बात ये है कि जो दूसरा प्रोड्यूसर पैनल है उसके भी यही दावे हैं, आप क्या खास कर रहे हैं, क्या सर, खास है आपके सर? देखिए, दावे जो हैं वो भी कर रहे हैं, दावे हमारे भी हैं। अगर आप पिछले साल की कारकर्दगी उठा के देख लें तो मैं ये कहूँगा, मैं उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ ना कुछ डिलीवर करने की कोशिश की। चूँकि हम अपोजिशन में थे इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यह है कि इस दफ़ा अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम अपने प्रोड्यूसर कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करेंगे। चलें अजान भाई, आप बताइए कि आप इस दफ़ा इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे, लेकिन आप बड़े एक्टिव मेंबर हैं इस कैंपेन के अंदर, तो क्या वजूहत हैं कि आप अभी तक एक नज़रिए के साथ जुड़े हुए हैं और आपने उस नज़रिए से साइड पे जाने की कोशिश नहीं की? बिलाल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि नज़रिए ही है प्रोग्रेसिव, और वी विल रिमेन प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव ही रहेंगे, और यहाँ से तो दूसरे की और जाने की तो बात भी नहीं पैदा होती। एक बात, सेकेंडली आप अभी जाफरी से पूछ रहे थे कि किया क्या हमने, हमने अपोजिशन में रहते हुए हेल्थ में भी काम किया, एजुकेशन में भी काम किया, जो दो बुनियादी चीज़ें होती हैं एजुकेशन और हेल्थ, ये तो मुल्कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमने एक एसोसिएशन में रह के हेल्थ को और एजुकेशन को हिट किया। 25 से 50% डिस्काउंट हमने 274 स्कूल्स में दिया। चुकताई के कार्ड दिए, उसमें मेरे ख्याल से आपकी जेब में से कार्ड निकल जाएगा, अभी चुकताई का कोई शक क्या, आपकी जेब से निकल जाएगा, और हमारे जो देखने वाले इनकी जेबों में से निकले गए वो कार्ड। लोगों को ये फेवर्स दी हमने, लोगों को क्रिकेट पे और खानों पे नहीं ठरकाया हमने। एक साल में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के जितना मैक्सिमम काम कर सकते थे वो किया, और इनशाला उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रोग्रेसिव क्लीन स्वीप करेगा। प्रोग्रेसिव अगर आएगा तो आप देखेंगे कि पिछले साल से बेहतरीन काम करेंगे इनशाला इस बार। इनशाला, बहुत शुक्रिया अजान भाई, और बहुत शुक्रिया आप शाह जी।